हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल भालड़ फैमिली। मैं हूँ पायल और मेरी ओर से आप सभी को नमस्ते। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। और ये है औदी विलास जगह और मैं आई हूँ यहाँ पर डेंटल ट्रीटमेंट के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं आज आई थी यहाँ पर डेंटल ट्रीटमेंट के लिए और मेरा जो ट्रीटमेंट है बहुत अच्छा रहा। अभी मुझे थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया, सो आई कांट स्पीक मोर। अभी मैं आपको डॉक्टर से मिलवाती हूँ जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। हेलो गाइस, कम टू आवर क्लिनिक, इट्स इन औदी विलास। यू कैन कॉल टू मेक अ स्केड्यूल और यू कैन कम हियर एट एनी टाइम। इट्स अफोर्डेबल फॉर एवरीवन एंड इट्स अ ग्रेट क्लिनिक। ओके, थैंक यू। थैंक यू। और यह है फ्रंट क्लिनिक का एड्रेस मेंशन किया हुआ है बाहर और क्या क्या इनकी स्पेशलिटीज़ हैं वो मेंशन थी बाहर। और अब मैं वेट कर रही थी ऊपर के आने का। अब मैं आपको प्राइस बताती हूँ कि प्राइस कितना लगा ट्रीटमेंट करवाने पे। तो आज था मेरा सेकंड टाइम, मैं सेकंड टाइम गई थी। पहली बार जब मैं गई थी तब भी मेरे दांतों में आरसीटी हुई थी, एक दांत की मैंने आरसीटी करवाई थी, उसका प्राइस था 75 यूरो, ठीक है। और मैंने एक्सरे भी करवाया था क्योंकि ये था कि काफी टाइम बाद करवा रही हूँ। पहली बार मेरा लास्ट टाइम जो डेंटल ट्रीटमेंट हुआ था अलगारवे में हुआ था और अलगारवे में जब मैं रहती थी तो 2019 में हुआ था जो दांतों का चेकअप था। उस टाइम में वो फ्री था क्योंकि जैस होने वाली थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज का डेंटल ट्रीटमेंट फ्री होता है, कोई पैसे नहीं लगते। तो उस टाइम करवा चुकी थी तो उसके बाद 2 साल का गैप आ गया था। अब मैंने कुछ भी नहीं, कोई चेकअप नहीं करवाया था। तो अब की बार मैं मुझे अपने एक दांत की आरसीटी करवानी, तो मैं प्राइवेट क्लिनिक में गई। तो ये था कि करवाना तो है ही, इंडिया जाने का कब तक वेट करेंगे कि देखते हैं क्या चार्जेस लगते हैं और ट्रीटमेंट कैसा। ट्रीटमेंट तो ऐसे यहाँ पे अच्छा ही है, मेरा अलगारवे का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा था। तो लास्ट टाइम मेरी पहली विजिट थी उस टाइम, तो लास्ट टाइम मैंने करवाया था दांतों का एक्सरे ताकि पता लग जाए कि कहाँ पे क्या कमी है। तो एक्सरे की यहाँ पे कॉस्ट है 25 यूरो और आरसीटी करवाई थी मैंने, उसकी कॉस्ट आई थी मेरी 75 यूरो। तो आज मेरी सेकेंड विजिट थी और आज ही मुझे एक दांत में हल्की सी कुछ फिलिंग करानी थी और भी डेंटल की लैंग्वेज में पता नहीं क्या करवाना था, तो जिससे आगे के दांत की थोड़ी सी फिलिंग करवानी थी। तो आज मेरे लगे हैं 80 यूरो। तो यानी कि यहाँ पर यही है 75 यूरो या 80 यूरो, इससे ज़्यादा प्राइस नहीं है। और जैसे अगर डेंटल क्लीनिंग करवानी है तो उसके भी चार्जेस हैं 80 यूरो। तो ये है यहाँ का चार्जेस। तो ये कि लेकिन ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा लगा मुझे, पेनलेस ही है बिल्कुल और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो अगर किसी को कुछ ट्रीटमेंट लेना हो और अगर आप इंडिया जाने की वेट कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, यहाँ पे ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा है। तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो चार्जेस मैंने आपको बता दिए हैं, या तो 70 यूरो या 75 यूरो, 80 यूरो, वो डिपेंड करता है ना किसका कैसा केस है। तो जैसे आरसीटी अगर सिंपल करवानी है तो उसका 70 या 75, इतना चार्जेस है यहाँ पे। और आज इस क्लिनिक में मैं गई थी तो मैंने तो जो ट्रीटमेंट कराया मुझे तो आज वहाँ पोर्तुगीज डॉक्टर मिले, लेकिन एक और डॉक्टर भी वहाँ बैठते हैं, वो पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी नहीं है, यानी कि वो उर्दू बोलते हैं तो हिंदी उर्दू भी चल जाती है।
ना भाई ना कोई नहीं ये भी आते हैं जेबी नहीं था कीड़े जाएंगे पेट में मारोगे फिर चंगा डाल कब्बू भी नहीं आनी सर रात कब भाग के जाएगी कब जाएगी भाग चलो अपने जाने तो कमी है इन कारियों का पता नहीं चलता है कभी ये ज्यादा हो जा कभी ये लगती नहीं और फ्रेंड्स खाने में बना मटर पनीर बहुत टेस्टी वाला दिन का रायता चावल रोटी आज फ्रेंड्स खाना खा लो नेहा की बनाई टेस्टी सी सब्जी हेलो आ जाओ सब खाना खाओ और ये है फ्रेंड्स ग्रीन वेजिटेबल्स की शॉप जहाँ पर मुझे प्राइस बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल लगा ये देखिए काफ़ी सस्ता सामान था यहाँ पर और ये शॉप है एमादोरा में लेकिन यहाँ पर सब कुछ अभी ख़त्म हो चुका था लिमिटेड सा स्टॉक रह गया था और फ्रेंड्स हम आ गए हैं घर वापस खाना वाना खा के सब करेंगे रेस्ट तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का व्लॉग आई होप आपको अच्छा लगा होगा आपने एंजॉय किया होगा और अब मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर